पहले तो ये चीज है कि पैनिक नहीं करना है, दूसरा ये समझने की जरूरत है कि ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो खांसने से एक डेढ़ मीटर से ज्यादा नहीं फैल सकता, और जो कोई खांसता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो सर्फेसिस में भी इकट्ठे हो सकते हैं, जैसे कुर्सी है, टेबल है, या अगर वो खांसता है और अपने मुंह उसका हाथ जो है उसके अंदर खांसता है और हाथ पे खांसी के ड्रॉपलेट्स लग जाते हैं तो किसी दरवाजे को या किसी चीज को छूने से भी वायरस वहाँ कुछ घंटे रह सकता है, और कोई और उस चीज को टच करेगा और उसके बाद अपना चेहरे को टच करेगा तो वायरस उनको भी आ सकता है। लेकिन अदरवाइज ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में ऐसे नहीं फैलता। अगर किसी को जुकाम, नजला, खांसी नहीं है तो किसी को छूने से, किसी के वो क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से इन्फेक्शन नहीं हो सकता। और इसीलिए हमको ये सब समझना चाहिए कि हमें सबको इस पैंडेमिक के साथ इकट्ठे मिल के लड़ना है, पैनिक नहीं करना है, कोऑपरेट करना है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ, खुद जो सोशल डिस्टेंसिंग हम कह रहे हैं, अगर आपको तकलीफ है तो होम क्वारंटाइन करना है, ये अगर हम सब चीज़ें करेंगे तो जो चेन ऑफ स्प्रेड है वायरस का, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल के एकदम पैंडेमिक हो रहा है, उसको हम तोड़ पाएंगे और इस तरह से वायरस के केसेस हमारे कंट्री में कम हो जाएंगे।